दौर में इन दिनों नकली धोबियों की भरमार हो गई है। वे अत्यंत कम दर पर कपड़े धोने तथा प्रेस का कार्य करते हुए डोर स्टेप लॉन्ड्री कार्य कर निर्धन धोबियों का हक छीन रहे हैं। मध्य प्रदेश धोबी सेना ने जिलाधीश कार्यालय पर पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सेना के लोग DIG कार्यालय पर भी गए और धोबी सेना ने वहां पर भी ज्ञापन दिया और यह मांग की कि नकली धोबियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। धोबी सेना के राजन मालवीय, देवीलाल लश्करी और अशोक परमार का यह कहना है कि जब धोबी सेना ने नकली धोबियों से अनुरोध किया कि वे भी उचित रेट पर ही कार्य करें तो उन्होंने यह बात नहीं मानी। धोबी सेना का यह कहना है कि प्रशासन को समय रहते नकली धोबियों की लॉन्ड्री और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा धोबी सेना द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।